फ्रेंड नॉर्मली हमें अपने मोबाइल का डाटा कंप्यूटर लैपटॉप में डालना होता है तो हम केबल के थ्रू डायरेक्टली अपना मोबाइल का जितना भी डाटा होता है वो कंप्यूटर लैपटॉप में जो है ट्रांसफर कर लेते हैं। बट अगर हमें यही काम आईफोन के साथ करना होता है तो थोड़ा पंगा हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली केबल के थ्रू डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और ऐसे में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारी आईफोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो हम जो है अपना डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो कैसे करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा विद इन सेकंड आप अपना आईफोन का पूरा डाटा अपने कंप्यूटर लैपटॉप में डाल पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर 3U टूल्स ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने कर लिया है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप भी फटाफट इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसको ओपन करने के बाद आपको जो है अपने आईफोन को केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है अपने कंप्यूटर लैपटॉप से। तो मैं यहाँ पर जो कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप अपने आईफोन को केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर लैपटॉप से तो आपको जो है अपने आईफोन की यहाँ पर सभी डिटेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके आईफोन के अंदर जितनी भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी आपको सिंपली करना क्या है, जो भी डाटा जो भी फ़ोटो वीडियो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर जो है एक्सपोर्ट करनी है डालनी है तो आपको सबसे पहले करना क्या है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे ये वाला जो वीडियो है मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर जो है इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं सिंपली करूँगा क्या इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पर भी इस फाइल को सेव करना है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर करने वाला हूँ तो डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं विद इन सेकेंड जो ये वीडियो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है एक्सपोर्ट हो गई है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और इसको जो है मैं मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है डेस्कटॉप पर एक वीडियो के नाम से फोल्डर बन गया और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन का सारा डाटा अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जो है इजीली डाल सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और यूज़फुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं फ्रेंड ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।